हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं प्लांट नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों रोज़ प्लांट के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको सभी टाइप के रोज़ प्लांट्स दिखाने वाला हूं और उसको किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं पूरा होल प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और हमारे पास कौन कौन से रोज़ प्लांट हैं, इंग्लिश रोज़ प्लांट, देसी रोज़ प्लांट और बहुत सारे रोज़ प्लांट की अलग अलग वेराइटी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से इन प्लांटों को परचेज कर सकते हैं। आज मैं आप साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे पास ब्लैक रोज़ है या नहीं है। दोस्तों किस तरीके का ब्लैक रोज़ होता है, जो हमारे ज़्यादातर इंडिया में पाए जाते हैं वो कौन कौन से ब्लैक रोज़ होते हैं, आज मैं आपको सभी कलर दिखाने वाला हूँ। हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो ब्लैक रोज़ में चलते हैं बिल्कुल, वो देखने में अगर आप दूसरे उनको देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल देखने में बिल्कुल जो हैं वो आपको बिल्कुल ब्लैक रोज़ देखने में लगेंगे। चलिए इसको किस तरीके से ग्राफ्टेड किए जाते हैं और इंग्लिश रोज़ देसी रोज़ प्लांट्स है, इंग्लिश रोज़ प्लांट किस तरीके से बनाए जाते हैं, सभी के बारे में डिटेल के साथ आज बताने वाला हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे देखे जाते हैं ब्लैक रोज। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो डार्क महरूम कलर जो होता है वही, अगर आप इसी को किसी भी दूर से आने के बाद अगर कहीं दूर से आप इस प्लांट को देखेंगे, इसके फ्लावर को रोज प्लांट के, तो यही आपको ब्लैक रोज दिखाई देगा। अगर आप पास से इसको देखेंगे तो ये डार्क रेड कलर का होता है, महरूम कलर का। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये इंडिया में कोई भी ब्लैक रोज़ नहीं पाया जाता। इस तरीके से देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक रोज़ में ही चलता है। ये काफ़ी अच्छा ब्लैक रोज़ है, लेकिन ये टोटली ब्लैक रोज़ नहीं है, लेकिन ये जो चलता है, लेकिन इसको जो सेल किया जाता है ज़्यादातर ब्लैक रोज़ में ही इसको सेल किया जाता है। और भी हमारे पास काफ़ी अलग अलग तरीके के रोज़ प्लांट हैं। ये देखिए पिंक कलर का ये रोज़ प्लांट है जो काफ़ी अच्छा है, और इसके जो फ्लावर की बात करें, इसका जो फ्लावर्स है वो काफ़ी बड़ा फ्लावर्स है और काफ़ी अच्छे और बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं और भरे हुए। ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बड्स बन रही हैं, और ये देखिए इसमें एक एक प्लांट्स पर, एक एक ब्रांच पर कम से कम 4 से 5 10 फ्लावर्स इस पर आते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास और भी अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स के रोज़ प्लांट्स हैं। मैं आपको आज पूरी नर्सरी में विज़िट करके दिखाऊंगा किस तरीके की हमारी नर्सरी है। रोज़ प्लांट हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वैरायटी में अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं देसी रोज़ या इंग्लिश रोज़ या किसी भी टाइप के रोज़ के प्लांट को यहाँ से परचेस करना, तो परचेस कर सकते हैं। हमारे पास सभी टाइप के रोज़ प्लांट इस नर्सरी पर मिल जाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा है ये पिंक कलर का रोज़ प्लांट, और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ये हमारे पास से जो है, जो शादी होती हैं उनमें भी हमारे पास से बहुत सारे रोज़ के रोज़ जाते हैं, और रोज़ के प्लांट्स भी सेल किए जाते हैं, और रोज़ के फ्लावर्स भी हमारे यहाँ बहुत सारे सेल भी किए जाते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे और काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोज़ प्लांट्स के रोज़ प्लांट्स हैं हमारे पास, काफ़ी अलग अलग कलर्स के रोज़ प्लांट्स हैं। ये देखिए इसमें कितनी अच्छी बड्स बन रही हैं, काफ़ी मोटी मोटी इसमें बड्स हैं। और इंग्लिश रोज़ प्लांट्स में मानता हूँ हमारे पास बहुत सारी वैरायटी हैं, ये आज आपको पूरी नर्सरी की विज़िट कराने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, और मैं आपको इधर ले चलता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा वाइट कलर का ये हमारा इंग्लिश रोज़ प्लांट्स है, और इसकी ब्रांच की बात करें, इसकी ब्रांच भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी मोटी मोटी ब्रांच हैं। ये देखिए मदर प्लांट्स हैं दोस्तों ये हमारे, मैं आपको पूरा होल प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन प्लांटों को बनाया जाता है और इनको कैसे कैसे हम तैयार कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम मैं लेके चलता हूँ आपको जो हमारा रेड कलर का बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा रोज़ प्लांट्स है। ये देखिए इसका फ्लावर्स की बात करें, इस पर काफ़ी बड़ा फ्लावर्स आता है और काफ़ी अच्छा फ्लावर्स है। ये देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा है, जो आप अगर आपको किसी भी गाड़ी को सजवाना है तो भी आप इन फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों हमारे पास फ्लावर भी सेल किए जाते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट है फ्लावर्स की तो आप फ्लावर्स भी यहाँ से परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी हमारे पास मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कलर्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हमारे पास फ्लावर्स, सभी टाइप के रोज प्लांट्स के फ्लावर्स भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं प्लांट्स को परचेस करना तो प्लांट्स भी परचेस कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं फ्लावर्स को परचेस करना तो फ्लावर्स भी यहां से परचेस कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े, और देखिए इसकी बात करें, इसकी बड्स भी इसमें कितनी अच्छी अच्छी बड्स आ रही हैं और काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, सभी मदर प्लांट्स हैं। ये देखिए और भी हमारे पास, ये देखिए ये देखिए पिंक कलर्स में ये काफ़ी अच्छा प्लांट्स है। ये देखिए इसमें भी बहुत सारी बड्स बन रही हैं और काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास काफ़ी अलग अलग कलर्स के, काफ़ी तरह तरह के प्लांट्स हमारे पास सभी अवेलेबल हैं।
येलो कलर्स में, इसका जो फ्लावर्स की बात करें इसमें येलो कलर्स का फ्लावर्स है जो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इसका जो मिक्सचर है ये रेड और येलो कलर्स के दो तरीके के मिक्सचर में बने हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे प्लांट्स हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे पास और भी कलर्स के, अलग अलग कलर्स के, ये देखिए पिंक कलर्स, रेड कलर्स, ब्लैक कलर्स और वाइट कलर्स। ये देखिए कितना प्यारा ये वाइट कलर्स का फ्लावर्स है, ये देखिए काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स है। ये देखिए और भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स के प्लांट्स अवेलेबल हैं। ये देखिए रोज़ प्लांट्स के हमारे पास काफ़ी प्लांट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और इन प्लांटों को यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं ये हमारे जो इंग्लिश रोज़ प्लांट होते हैं किस तरीके से इन रोज़ प्लांटों को बनाया जाता है, क्या ये देसी रोज़ प्लांट से बनाए जाते हैं या रोड रोज़ प्लांट से बनाए जाते हैं या कोई और रोज़ प्लांट से ये इंग्लिश रोज़ प्लांट बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बता दूँ, मैं बताता हूँ आपको, ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये भी रोज़ प्लांट के ही हैं। ये जो हमारा रोज़ प्लांट है ये रोड प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये देसी रोज़ प्लांट की एक वेराइटी होती है, इसकी बेल चलती है दोस्तों। ये जो प्लांट्स है इसी से इंग्लिश रोज़ प्लांट बनाए जाते हैं। इनकी यहाँ से किसी भी प्लांट की यहाँ से ब्रांच काटने के बाद इसकी जब ब्रांच तैयार हो जाती है उसकी यहाँ से और इसमें आँख जो होती है इसमें जो नोड एरिया है इसका, इसकी नोड को यहाँ से निकालने के बाद इंग्लिश रोज़ प्लांट की नोड को लगाया जाता है, तब इन प्लांटों को तैयार किया जाता है इंग्लिश रोज़ प्लांट को। ये देखिए हमारे पास काफ़ी प्लांट्स जो हमारे मदर प्लांट्स हैं ये सारे प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इन्हीं प्लांट्सों से हम सभी इंग्लिश रोज़ प्लांट्स, नए नए रोज़ इंग्लिश रोज़ प्लांट्स बनाते हैं और अलग अलग वैरायटी इनकी बनाते हैं। ये देखिए काफ़ी बेल वाले प्लांट्स हैं, ये इनकी जो प्लांट्स आप देख रहे हैं सभी की बेल चलती है, ये बेल की तरह चलते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं और ये इंग्लिश रोज़ प्लांट्स बनाने के ही काम आते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से हम नए नए प्लांट्स बनाते हैं। और चलिए दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इंग्लिश रोज़ से देसी रोज़ से इंग्लिश रोज़ प्लांट्स बनाते हैं। ये देखिए हमने सभी प्लांटों की कटिंग लगाई हुई है इस तरीके से। पहले इन प्लांटों की कटिंग लगाई जाती है, जो हमारे रोड वाले रोज़ प्लांट होते हैं उनकी कटिंग लगाते हैं तभी ये हमारे इंग्लिश रोज़ प्लांट्स बनते हैं। ये देखिए हमने काफ़ी कटिंग लगाई हुई है इसी तरीके से। इनकी नोड एरिया को काटने के बाद हमारे इंग्लिश रोज़ प्लांट्स की एक नोड एरिया लिया जाता है, आँख ली जाती है, उसको फिर इसके दूसरे ब्रांच पर यहाँ पे इसको काटने के बाद इसमें दूसरी ब्रांच को उसके दूसरी जो आँख होती है उसको लगाई जाती है और इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे इंग्लिश रोज़ प्लांट्स तैयार होते हैं और हमारे पास बहुत सारे इंग्लिश रोज़ प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं पॉली बैग में भी इनको परचेस करना तो पॉली बैग में भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन के प्लांट्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे पास ज़मीन के प्लांट्स भी इस नर्सरी पर मिल जाएंगे। ये देखिए हमने बहुत सारे इंग्लिश रोज़ प्लांट्स तैयार करने की के लिए इन कटिंग को लगाया हुआ है। अब कुछ टाइम में इन पर ग्राफ्टेड किए जाएंगे, ये प्लांट्स हमारे सभी ग्राफ्टेड करने के बाद इनमें ग्राफ्टेड किए जाएंगे और इन पे नए नए प्लांट्स इंग्लिश रोज़ प्लांट्स बनाए जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम इंग्लिश रोज़ प्लांट्स बनाते हैं। और चलिए दोस्तों वैसे हमारे पास इंग्लिश रोज़, देसी रोज़ और बहुत सारे रोज़ के प्लांट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं और इनको होलसेल में इन प्लांटों को परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।